नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वाद की टोकरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार की फेमस रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खास तौर पर छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। इस वीडियो में परफेक्ट ठेकुआ बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा बाउल, उसमें मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोज़ अपने घरों में रोटियाँ बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी घी, ये पिघला हुआ मेल्टेड घी है, और इसी से हम इसमें मोयन डालेंगे। आधी कटोरी घी है, मैं आपको इसका इसमें डालने के तरीके भी बताऊँगी। आटे में हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे, जब तक कि आटा अच्छी तरह से बाइंड ना होने लगे। और आप यहाँ पर घी की जगह डालडा यानी वनस्पति का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें, नहीं तो ये अंदर से क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगा। और जितना क्रिस्पी बनेगा, आपकी आपके ठेकुआ की सेल्फ लाइफ बहुत ही ज्यादा होगी। आप इसे 1.5-2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, हमारे आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और इसे हम हाथों से इस तरह से दबाकर देखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा बाइंड हो रहा है। इसका मतलब मोयन अब इसमें परफेक्ट है। और ये आधी कटोरी घी में हमारा ये 2 चम्मच घी अभी बच गया है, बस हमें घी की अब जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें इलायची, 2-3 इलायची को हमने पाउडर बना करके ले लिया है, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखी गड़ी यानी सूखा नारियल, और इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर लिया है, इसका भी स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर चीनी, और चीनी हमें पीस कर नहीं लेना है, साबुत चीनी ही डालना है। और ये जिस कटोरी से हमने आटे को नापा था, उसी कटोरी से ये आधी कटोरी चीनी है, और आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसे चीनी को भी मिक्स करने के मैं तरीके बता रही हूँ। इसमें हम चीनी डालकर मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी चीनी इतनी बच गई है, और हम इसमें चीनी चेक करने के तरीके में बता रही हूँ। इसे हाथों से इस तरह से हम बाइंड करके, और इसे हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे चीनी के दाने जब दिखने लगे तो समझ लीजिए इसमें चीनी परफेक्ट है। लेकिन आप लाइट खाते हो तो चीनी कम डालिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक वाले सौंफ, अगर आपके पास सौंफ हो तो सौंफ जरूर डालें, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इन्हें भी हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम ये देखिए, बिल्कुल आटा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी डाल के हमें इसे गूंदना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी के हम छींटे लगाएंगे और इसे हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें, हमें इसका डो नहीं तैयार करना है। अगर आप इस तरह से ठेकुआ बनाएंगे तो आपका ठेकुआ बहुत ही अच्छा बनेगा, और सेल्फ लाइफ तो लंबी होगी ही होगी। और इसी तरह से हम हाथों से इसे मसलते हुए इसका इसे तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इसमें पानी को हम मिक्स करेंगे, लेकिन पानी आप ज़्यादा एक बार में ना डालें। और दोस्तों, ठेकुआ बनाने के लिए मोटे दानेदार आटे का यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें वो आटा नहीं मिल सकता है, इसलिए हम इसी में बनाकर तैयार करेंगे। अब ये देखिए, पानी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हाथों से हम इसे लड्डू के शेप में लोई तैयार करेंगे। ये बंध रहा है तो समझ लीजिए परफेक्ट है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई हम बनाएंगे, फिर हमें जब पानी कम लगेगा तो फिर हम हल्के हल्के छींटे फिर से वापस लगाएंगे इसमें। हल्के हल्के पानी के छींटे लगाते हुए हम सारे लोइयों को तैयार कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा इसे दानेदार ठेकुआ बनाना चाहते हैं तो 4 चम्मच इसमें सूजी भी साथ में ऐड कर देंगे, तो दानेदार और क्रिस्पी ठेकुआ बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस ठेकुआ को जाड़े में बनाकर अपने बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। आप इसमें चीनी की जगह गुड़ का यूज कर लें, और ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस कर आप इसमें मिक्स कर दें और बना कर रख लें, और पूरे जाड़े बच्चों को दें, ये काफ़ी हेल्दी होगा। इसी तरह से हम लोइयों को बना लेंगे। हमारे ये
ठेकुआ दो लोग मिलकर बनाते हैं, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और आप लोई बनाने के बाद इसे ज्यादा देर न रखें, नहीं तो चीनी मेल्ट जल्दी हो जाएगा। और हमें चीनी दानेदार ही रखना है। और इस लोई को अब मैं, ये लकड़ी का सांचा है ठेकुआ बनाने का, और इस पे मैं, ये मेरे पास बहुत पुराना सा पड़ा हुआ था, मैं इस पे इस तरह से बना रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसके भी तरीके बताती हूँ इसे आप किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इस शेप में भी मैंने दो तरह के शेप में बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। इसे हथेलियों की सहायता से हम दबाकर इसे फैलाएंगे। ये फॉर्क है, खाने वाला कांटा, इस तरह से आप इस दबाकर इसमें कोई भी डिजाइन अपने पसंद की बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की छन्नी है, इसे मैं दबाकर इसका भी मैं शेप निकाल लूंगी। आपके घर में प्लास्टिक की टोकरी होती है, उस पर भी आप दबाकर इसके इसमें डिजाइन निकाल सकते हैं। बिना डिजाइन के भी आप सिर्फ हाथों से दबाकर बना लें। ये देखिए ठेकुआ में आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे, ये फटे फटे साइड से दिख रहे हैं, परेशान न होइए, इसकी पहचान है, ये बहुत ही अच्छा ठेकुआ बनकर तैयार होगा। अब हम यहाँ पर तेल को गर्म कर लेंगे और इसे हम चेक कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, वनस्पति, कुछ किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं, घी। अब हम इसमें एक एक ठेकुआ छोड़ते जाएंगे और जितनी जगह हो बस उतनी ही डालेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। हमें तेज फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है। अगर आप तेज फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और लो फ्लेम पे बनाने पे ये फायदा है कि ये बहुत ही क्रिस्पी और खुश्क बनकर तैयार होगा। ये देखिए, जब तक आपके ठेकुए का कलर चेंज ना हो जाए आप इसे ना पलटे। अब इसमें कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसे धीरे धीरे एक एक पीसेस को पलटकर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक तल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे ठेकुआ को तलकर तैयार कर लेंगे। देखा कितने क्रैक्स हैं? ये हमारे दानेदार क्रिस्पी ठेकुआ तैयार है। तो दोस्तों, आप भी इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।